दोस्तों एक 600 मिलियन डॉलर्स का डीफाई हैक जो कि कल हुआ था पॉलिन नेटवर्क पे, उसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। मेरे क्या कंसर्न्स है अबाउट दीज एंटायर डीफाई स्पेस, उस बारे में मैं आज के वीडियो में अपने ओपिनियंस को शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर आपको नहीं पता हुआ क्या है एग्जैक्टली, तो अगर आप पॉलिन नेटवर्क पे ट्विटर हैंडल पे जाओगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो कल अराउंड इवनिंग को इनका एक ट्वीट आता है कि जो इनका पॉलिन नेटवर्क है वो इथेरियम, बाइनेंस और जो पॉलीगॉन चेन है तीनों पे ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, और जो हैकर है उसका एड्रेस जो कुछ भी है वो यहाँ पे उन्होंने डाल दिया ट्वीट पे। तो दोस्तों ये जो एड्रेसेस है अगर आप इनको कॉपी करके सर्च करोगे इथरस्कैन पे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये जो पॉली नेटवर्क एक्सप्लॉइट है इस पे ये एड्रेस इन्वॉल्वड है, और मतलब जो भी इसके फंड्स वगैरह है उसको बेसिकली इन्होंने कुछ तो किया है। मुझे नहीं पता कि माइनर्स ने इसको किसी तरीके से ब्लॉक कर दिया कि जो ट्रांजेक्शन है वो गो थ्रू नहीं हो रहे, तो एक ही जगह पे वो काइंड ऑफ लूप सा हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे इसके डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं मेरे दिमाग में कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा बाद में, बट पहले जो बेसिक चीजें हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो इन्होंने ट्वीट डाला है वहां पे इन्होंने लिखा है कि जितने भी माइनर्स है या फिर जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस है उनको तो सबसे पहले इन्होंने अलर्ट किया कि अगर इस एड्रेस से कोई भी फंड आता है तो इसको इमीडिएटली सीज करो, इसको ब्लैकलिस्ट कर दो। तो यहाँ पे उन्होंने बाइनेंस को टैग किया, वो भी ग्लोबल को टैग किया, OKX, Coinbase Pro जितने भी एड्रेसेस है, और यहाँ पे साथ में जो भी टोकन्स इशू करते हैं लाइक टेदर और सर्कल पे, इनको भी इन्होंने टैग किया है कि आपका जो क्रिप्टो एसेट है इस एड्रेस ने निकाला है। जो एसेट्स गए हैं उनमें से है WBTC, WETH और NBTC, और जितने भी लाइक इन्होंने, ये ट्वीट मुझे सबसे ज़्यादा फनी लगा कि इन्होंने माइनर्स को भी कॉल आउट कर दिया कि भाई तुम जो माइनिंग कर रहे हो ट्रांजैक्शंस की, इस एड्रेस को ब्लैकलिस्ट करो, इसके थ्रू जो भी ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं उसको रिजेक्ट करते जाओ। तो मतलब माइनर्स को कौन कॉल करता है यार, मतलब जो भी इन्होंने वो भी ट्वीट किया, और साथ में जितने भी बाकी के एसेट्स है जैसे कि स्टेबल कॉइन्स होते हैं डाई, ह्यूनी, लाइक USDC वगैरह सब कुछ इन्होंने निकाला है। तो अगर आप इन एड्रेसेस पे भी जाओगे तो आपको मिल जाएगा कि क्या डिटेल्स है, क्या सीन है। बट दोस्तों जो सबसे सरप्राइजिंग चीज़ है जो कि आज सुबह मैंने डिस्कवर किया कि पहली चीज़ ये हैक हुआ क्यों, और दूसरी चीज़ जो ऐसे इन्होंने फंड्स को सीज कर दिया एक तरह से जैसे कि हैकर इसको ट्रांसफ़र ना कर पाए किसी भी दूसरे एक्सचेंज पे, या फिर इसको स्वाप ना कर पाए, लाइक एक आई थिंक है टोर्नेडो स्वाप, तो वहाँ पे वो लोग यूज़ करके कुछ तरीके से वो लाइक मनी लॉन्ड्रिंग सा है ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी में, तो वो चीज़ वो लोग ना कर पाए, तो ये बहुत सारी इन्होंने चीज़ें की है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो मेरा कंसर्न आता है कि क्रिप्टो का जो एंटायर कॉन्सेप्ट है वो बिल्ट अप है कि एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल इकोसिस्टम बिल्ड करना है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूँ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की, तो यहाँ पे अगर एक बार ट्रांजैक्शन हो जाता है तो उसको रिवर्स नहीं होना चाहिए विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पीपल, राइट, मतलब जिसको अपने पैसे ट्रांसफर किया। तो अगर यहाँ पे ऐसे फंड्स को सीज किया जा सकता है किसी एक नेटवर्क के द्वारा जिसका मतलब जिसको हैकर ने कॉम्प्रोमाइज किया है, तो ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये कैसे हो पाया, क्योंकि होना तो नहीं चाहिए जनरली कि अगर बंदे ने एक बार फंड्स निकाल लिए तो वो तो गया, मतलब वो तो टेक्निकली वैसे ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की, गया सुबह बाइनेंस के CEO ने एक ट्वीट किया था कि ये इसलिए हो सकता है क्योंकि इनका जो मे बी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था उसमें कुछ एक ऐसा फंक्शन था जो इस चीज़ को पॉसिबल कर देता है। मैं आपको वो ट्वीट भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने जो ट्वीट किया वो मैंने देखा कि हाउ डिड द पीपल फ्रीज द फंड्स ऑन द ब्लॉकचेन, बिकॉज कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर क्या कोड लिखा गया था उस पर यह डिपेंड करता है, और सभी नेटिव ब्लॉकचेन्स पे विदाउट दी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ये पॉसिबल नहीं होता है। एज वेल आपको पता होगा, मैंने आपको अभी बताया कि अगर फंड्स एक बार चले गए तो वो वापस नहीं हो सकते। दोस्तों हमने ऐसा ही एक सिमिलर सा हैक इंसिडेंट रिसेंटली EZFi के साथ भी देखा, जहाँ पे उनका जो फंड्स है जो कि अमाउंट एक बार निकल गया वो वापस नहीं, और फिर लिटरली EZFi प्रोजेक्ट बिल्कुल ही गिर सा गया एकदम जब बुल मार्केट का पीक सीजन था उससे। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो हैक हुआ है जो भी है, तो दोस्तों यहाँ पे CoinDesk का एक आर्टिकल है जहाँ पे हैक का रीज़न ये बताया जा रहा है कि कोई एक प्राइवेट की मे भी इनका लीक हो गया था जिसके वजह से ये हैक पॉसिबल हुआ, और जितने भी एक्सचेंजेस वगैरह हैं उन्होंने एड्रेसेस को ब्लैकलिस्ट कर दिया। यहाँ पे देखो ये जो लिखा है कि इनिशियल हैक रिपोर्ट सजेस्ट, क्योंकि हैक जो है ट्रिगर हुआ था बाय द लीक ऑफ ए प्राइवेट की दैट इज यूज्ड टू साइन द क्रॉस चेन मैसेज। और जब दोस्तों पॉली नेटवर्क ने ये ट्वीट किया तो हैकर के पास ऑलमोस्ट 600 मिलियन डॉलर्स इन क्रिप्टो करेंसीज थे, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट हैक्स है जो कि मैंने आज तक देखा है डीफाई स्पेस में। सो मे बी हैकर का कोई बुरा इंटेंशन नहीं आया था, या फिर वो हैकर बहुत ज़्यादा डम था कि उसने फंड्स को इमीडिएटली स्विच नहीं किया, तो मतलब पता नहीं क्या हुआ। फिर उसके बाद हैकर ने भी कुछ ट्वीट डाले कि मैंने ये जो अटैक है वो
पैसे के लिए नहीं किया था ये, मैं अगर चाहता तो मैं एक बिलियन डॉलर भी सीज कर सकता था, बट मैंने वो नहीं किया और जो फंड्स हैं आई एम थिंकिंग टू रिटर्न देम। तो ये मुझे कल मैंने पढ़ा था इसको, एक्चुअली मुझे वो मिल नहीं रहा इमेज, बट ये ऐसा ही कुछ था मोर ऑर लेस। तो अभी जो हैकर है पॉली नेटवर्क इज एक्सपेक्टिंग वो जो है फंड्स को वापस करेगा। तो एक और इन्होंने लाइक एक घंटे पहले ट्वीट किया है कि आप यहाँ पे इनको वापस करो। ये देखो दोस्तों, तो यहाँ पे जो पॉली नेटवर्क का ट्विटर है उन्होंने ट्वीट किया आधे घंटे पहले कि आप इन एड्रेसेस पे वी आर होपिंग आप ट्रांसफर कर दोगे फंड्स को। मतलब क्या हो रहा है ये क्या चीज़ है। अब अगर आप एक नॉर्मल व्यूअर हो जो कि वीडियो देख रहा है सोच रहा है कि यार डीफाई में स्टेक करके कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट करेंगे पैसिव इनकम कमाएंगे, तो इन चीज़ों को कंसिडर करना आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। जो रिस्क है पोटेंशियली डीफाई में वो अनलिमिटेड है, तो आपको आइडियली रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए, आपको उसको डाइवर्सिफाई करना है। अपने सारे फंड्स को एक ही नेटवर्क पे स्टेक मत कर देना, क्योंकि अगर कुछ होता है आपके फंड्स लिटरली गए, आपको कोई वापस नहीं कर सकता वो। तो रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली एक अच्छा लर्निंग लेसन होगा आई थिंक काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के लिए। और इस हैक के बाद मैं ये नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक्सचेंजेस है लाइक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस वो सेफ है, वो भी इक्वली वल्नरेबल है टू एनी सॉर्ट ऑफ हैक। तो क्रिप्टो इज ऑल अबाउट रिस्क, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए, आपको डिफरेंट एक्सचेंजेस को यूज करके लाइक रिसर्च करके अपने फंड्स को सेफली स्टोर करना है। अगर आप लेट्स से बात करते हैं एक प्राइवेट वॉलेट खरीदने की, तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको किसी एक पूल में स्टेक करना है तो एक रेप्यूटेड पूल में स्टेक करो, बट दैट डजंट मीन कि वो बिल्कुल ही हैक फ्री हो जाएगा। तो ये कुछ मेरे ओपिनियंस है यार। वीडियो मैंने छोटा सा एक शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो बना दिया, आपको बताना है कमेंट में कि वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।